सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज भी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से एक छोटे से बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छी वीडियो बनाकर भेजी। अभी पहले वो वीडियो देख लो और मैं आपको एक बात बोलूँगा कि मैं सभी वीडियोस को अलग इसलिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे हर एक बच्चे को अपनी बात रखने का मौका मिले। एक ही वीडियो में मैं सारी वीडियोस को डाल सकता हूँ, लेकिन इससे हर एक बच्चा अपनी बात प्रॉपरली नहीं रख पाएगा। छोटी छोटी वीडियोस होती 2 मिनट की, तो अपनी बात बच्चों हर एक बच्चा अपनी बात प्रॉपरली रख सके, इसलिए मैं वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ। तो आप भी अपनी वीडियोज़ को भेजो। तो पहले देखो इस बच्चे ने क्या बोला है। हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो क्लास 12th एग्जामिनेशन से रिलेटेड बना रहा हूँ और मैं क्लास 12th स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी बोल रहा हूँ और एज़ मैं खुद क्लास 12th स्टूडेंट हूँ। और मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मुझे ये वीडियो बनाने के लिए किसी ने कोई फोर्स नहीं किया है, मैं खुद अपनी तरफ से बना रहा हूँ। तो द थिंग इज़ दैट कि हमारे कंट्री में जो क्लास 12th का इशू चल रहा है कि भाई क्लास 12th का एग्जामिनेशन, उससे बड़ा इशू है कोविड का। उसी के कारण जो क्लास 12th और 10th के एग्जामिनेशन का इशू है, 10th का तो चलो सॉर्टेड हो चुका है क्योंकि उनके एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए और इंटरनल असेसमेंट के बेस्ड पे उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। अब बात आती है क्लास 12th की, तो क्लास 12th की जहाँ तक कैंसिलेशन की बात हो रही है, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि 90% स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने क्लास 12th की ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया। और फिर स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया, ऑनलाइन क्लासेस में कई लोग पढ़ भी नहीं पाए क्योंकि भाई नेट कनेक्टिविटी का भी इशू होता है। हर बच्चा एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाता, हर फैमिली एक अच्छा नेट कनेक्शन, अच्छा कंप्यूटर, अच्छा स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब लोग इतने मतलब वेल्दी हैं कि उनके पास मतलब सारे रिसोर्सेज हैं, सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बुक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं और उनके पास पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं था। उनके जब पेरेंट्स घर पे आते थे या कहीं पेरेंट्स ऑफिस में रहते थे तो तभी उन्हें फ़ोन मिलता था। कई तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स के पास भी एक स्मार्टफोन नहीं था, तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए। उसका भी एक इफ़ेक्ट है जिससे वो लोग चाहते हैं कि इस साल एग्ज़ाम्स हो ही ना, एक वो भी रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि आई थिंक जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कुछ हद तक गलत भी हैं। वैसे मैं किसी डिसीजन को गलत नहीं कहता क्योंकि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू लिया जाता है, एक आदमी डिसीजन नहीं लेता। और डिसीजन लेना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पर बैठती है, काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन होता है और काफ़ी बड़ी बातें होती हैं, तब जाके एक डिसीजन लिया जाता है। और मतलब इतना आसान नहीं होता कि क्लास 12th के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर देना, क्योंकि जहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं इनसे आगे के एग्ज़ाम्स को भी असर पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सोच समझ के ही कुछ डिसीजन लिया है। बट एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों होने चाहिए? देखिए, अगर एग्ज़ाम्स अगर कैंसिल होने भी चाहिए या नहीं भी होने चाहिए, हम तो भाई स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम एग्ज़ाम लिखना। अगर आप पोस्टपोन कर देंगे तब भी हमें तो एग्ज़ाम लिखना है, हम जाके लिख देंगे। लेकिन रीज़न ये है कि अगर आप कैंसिल करेंगे बाद में, क्योंकि कंडीशन जो चल रही है आई थिंक उसके हिसाब से तो कैंसिल होंगे एग्ज़ाम, या फिर ना भी होंगे तो बोर्ड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कैंसिल होंगे, मान लीजिए अगर आप जून में जाके हमें बताते हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने वाले हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक लग जाएगा। क्योंकि अगर अभी हम जून तक बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद अचानक से हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, हमारी ये मेहनत वेस्ट, मतलब एक टाइप से एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन एक टाइप से जब अगर हम इस टाइम को हम अपने कॉम्पिटिटिव में कंज्यूम कर लेते, अगर एग्ज़ाम्स पहले हमें बता दिया जाता कि कैंसिल हो गए, मान लीजिए अभी मई स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप हमें मई में बता देते कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या आपके एग्ज़ाम कैंसिल्ड हैं, तो हम लोग मई से ही अपना प्रेप स्टार्ट कर देते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट होता, वो यूथ के लिए एक बेनिफिट होता, वो कंट्री के लिए एक बेनिफिट होता। कंट्री में आफ्टर ऑल जितना भी यूथ है वो जॉब लग रहा है, वो कंट्रीब्यूट तो करेगा कंट्री के जीडीपी वगैरह में ना। तो वहीं एक बात बताना चाहता हूँ मैं, और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो भी कॉम्पिटिटिव। आजकल जो एग्ज़ाम्स हैं कहीं बहुत ही कम ऐसे एग्ज़ाम्स रह गए हैं जो कि मार्क्स के बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। आजकल मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब प्रोफाइल्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहिए। आपको इंजीनियर बनना है, यू हैव टू गिव जेईई नीट। आपको डॉक्टर बनना है, यू हैव टू गिव नीट। लॉयर के लिए क्लैट है, बहुत हर तरह के लिए एक अलग एग्ज़ाम है। कुछ छोटे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए आपको एक परसेंटेज चाहिए होती है, क्लास 12th की परसेंटेज चाहिए होती है। और दूसरा कि अगर एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते थे, अगर ये जो कंडीशन है एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, लेकिन अगर भाई जैसे सेंटर पे भाई जो कह रहे हैं कि कोविड फैल रहा है, तो आप सेंटर पे जाने के बजाय बच्चों को उन्हीं के स्कूल में कह दीजिए कि आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम दीजिए,
अपने स्कूल में क्या तरीका हो सकता है? आई थिंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर स्कूल वाले एग्ज़ाम के डे पूरे स्कूल की छुट्टी कर देंगे, फिर 12th के इतने इतने तो स्कूल्स में रूम्स होते हैं कि 12th का हर बच्चा एक रूम में बैठ सकता है, तब तो कोई बिल्कुल सेफ्टी है, कोई उसके आसपास है ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं। तो एक स्कूल में मैक्सिमम 12th क्लास में कितने बच्चे होंगे? 50 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे, अगर सेक्शन ज़्यादा है तो 100 बच्चे हो सकते हैं, इतने तो रूम्स होते ही हैं स्कूल में, तो वहाँ पर भी बैठा जा सकता है। तो आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम हर टाइप के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट हमें बहुत थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लें वो हमें जल्दी बताएं, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव भी है और बहुत सारे आगे एस्पेक्ट्स हैं बच्चों को, आगे आगे जिसमें जिस फील्ड में उन्हें जाना है उन्हें उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि 1.5 1.5 साल 12th क्लास में बैठे हैं, तो बच्चों को एक टाइप से ये भी हो जाता है भाई कितना रिवाइज़ करें, एक चीज़ को कितनी बार पढ़ें। तो वही है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी डिसीजन लें प्लीज़ हमें जल्दी बताएं, और मैं हर डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ, कंट्री हर डिसीजन को सपोर्ट करेगी, बट कि आप स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं? घबराओ मत, सबका सॉल्यूशन लेकर आ गया डाउट नट। डाउट नट, अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकेंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइज वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक IIT, जी मेन्स, एडवांस, नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। साथ ही अब आप लाउटनर पे कोटा के टॉप फैकल्टी से भी पढ़ाई कर सकते हो, जैसे GB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनर ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउटनर ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अभी डाउटनर ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो, आप सभी ने देख लिया कि बच्चे ने काफ़ी प्रॉपर तरीके से अपनी बात को गवर्नमेंट के आगे रखा है, और मैं भी इस बच्चे से काफ़ी सारी बातों से एग्री करता हूँ। बातें इसकी सही है, छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो में से सारी बातों को अपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप भी अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हो, और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम है क्लास 12th के और आप चाहते हो कि कैंसिल करवाना, तो आपको वीडियो क्लिप बनाकर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक मौका है गवर्नमेंट तक बात पहुँचाने का। तो आप भी वीडियो क्लिप बनाओ और शेयर करो, जिससे गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर बन सके। आप ही लोग हो जो प्रेशर बना सकते हो, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन कई सारे बच्चे शेयर नहीं कर रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी वीडियो क्लिप बनाओ, शेयर करो और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाओ। आप ही लोग प्रेशर बनाओगे और एग्ज़ाम कैंसिल करवाओगे। तो अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, अपने फिर मिलेगी नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी को जय हिंद।